हम देखते हैं कि अकुमो ने ब्रोली को सारी बातें बता दी होती है। ब्रोली अकुमो की बताई हुई सारी बातों को समझ जाता है और अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, आप बताइए हमें अब क्या करना चाहिए। इस पे अकुमो कहता है, ब्रोली, हमें जल्दी गोकू के पास जाना होगा ताकि वो काइजो को निकालने में हमारी मदद कर सके। चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली और अकुमो दोनों ही गोकू के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर हम गोकू को देखते हैं जो कि गोहान के साथ होता है, और तभी गोहान गोकू से कहता है, डैड, अब ये भला कौन है? इस पे गोकू कहता है, पता नहीं गोहान, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही मैं इसे जानता हूं। तभी जोगासुराकी कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम एक सैयन हो, लेकिन तुम्हें ओमनी किंग नहीं बनना चाहिए था, और जबकि तुमने ये गलती कर दी है तो तुम इसके लिए भुगतोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जोगासुराकी अपनी पावर को थोड़ा सा अप करता है, जिससे कि एक वेव पैदा होती है और उसकी वजह से गोकू और गोहान थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। इस पे गोहान कहता है, डैड, आपने कुछ महसूस किया? इस पे गोकू कहता है, हाँ गोहान, मैंने महसूस किया, ये ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि जोगासुराकी गोकू की तरफ हमला करता है। गोकू अपना हमला करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे गोहान कहता है, नहीं डैड, क्या आप ठीक हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान भी अपनी पावर को अप करता है और उस पे अपना हमला करता है, लेकिन जोगासुराकी उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और गोहान से वो कहता है, बेवकूफ बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किस पे हमला कर रहे हो? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान पे जोगासुराकी अपना हमला करता है, जिसे कि गोहान बिल्कुल भी नहीं रोक पाता, और हम देखते हैं कि वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं गोकू फिर से उठता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहने के बाद गोकू अपने कामेहामेहा से उस पे अपना अटैक करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता, और हम देखते हैं कि जोगासुराकी उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और वो गोकू से कहता है, ओमनी किंग, तुम सच में ओमनी किंग हो? मुझे तुमसे लड़कर तो ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि मैं एक ओमनी किंग से लड़ रहा हूं, क्या मजाक है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो गोकू पे अपना एक पंच करता है जो कि गोकू को काफी जोर का लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इस पे जोगासुराकी कहता है, चलो मैं समझ गया, तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। मैंने सोचा नहीं था कि अभी का ओमनी किंग इतना कमजोर होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
जोगासुरा की गोकू पे अपना एक खतरनाक हमला करने वाला होता है कि उससे पहले गोहान जोगासुराकी पे एक जोर का हमला करता है, जिससे कि जोगासुराकी का ध्यान भटक जाता है और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। जोगासुराकी गुस्से में कहता है, तुमने मेरी लड़ाई के बीच में फिर से आने की हिम्मत कैसे की? इसके लिए तुम पछताओगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जोगासुराकी तुरंत गोहान के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। गोहान जोगासुराकी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो जोगासुराकी के सामने कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद वो कहता है, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद जोगासुराकी गोहान पे अपना एक हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू किंग नायर के फॉर्म में जोगासुराकी के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, गोहान को अभी के अभी छोड़ो। इस पे जोगासुराकी कहता है, क्या ये क्या है? क्या ये तुम्हारी कोई नई ताकत है? लेकिन पता है, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हारी कोई भी ताकत से, समझे? तभी गोकू फिर से कहता है, मैं तुमसे बार बार ये नहीं कहूंगा, गोहान को अभी के अभी छोड़ो। इस पे जोगासुराकी कहता है, मैं भी तुमसे बार बार नहीं कहने वाला। जैसे ही ये बात जोगासुराकी कहता है, हम देखते हैं कि गोकू उस पे अचानक से अपना हमला करता है। जोगासुराकी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो काफी दूर जाके गिरता है और तभी उसके हाथों से गोहान छूट जाता है। इसके बाद गोकू गोहान से पूछता है, गोहान क्या तुम ठीक हो? इस पे गोहान कहता है, हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तभी हम देखते हैं कि जोगासुराकी भी उठता है और कहता है, ये तो वाकई में जोरदार था, तो तुमने अपनी ताकत को छुपा कर रखा था। कोई बात नहीं, फिर भी तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुम्हें अपने सामने नहीं टिकने दूंगा। ये कहने के बाद जोगासुराकी काफी गुस्सा हो जाता है और गोकू पे फिर से अपना हमला काफी तेजी से करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू कुछ नहीं करता और वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है। जोगासुराकी जैसे ही गोकू पे अपना हमला करता है, गोकू उसके सामने से काफी तेजी के साथ गायब हो जाता है। जोगासुराकी ये देख के काफी चौंक जाता है कि वो आखिर कहां गया, लेकिन तभी गोकू उसके सामने आ जाता है और उसे एक जोर का किक करता है, जिसे कि जोगासुराकी बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और हम देखते हैं कि वो काफी दूर जाके गिरता है। जोगासुराकी फिर से गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, ये ओमनी किंग, ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, लेकिन कैसे? कुछ वक्त पहले तो ये काफी कमजोर था, लेकिन अचानक ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया? इसके हमले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जोगासुराकी इस बात को सोच ही रहा होता है कि गोकू उसके सामने फिर से आ जाता है और उस पे एक पंच फिर से करता है,
और इस बार जोगासुरा की बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू कहता है, तुम हम दोनों को यहां पर मारने आए थे ना, अब तुम मरोगे। गोकू उस पे अपना हमला करने वाला होता है कि हम देखते हैं कि वहां पे अकुमो आ जाता है और वो गोकू को रोक लेता है। गोकू अकुमो को देखकर अपना हमला रोक देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने नॉर्मल ओमनी फॉर्म में आ जाता है और वो अकुमो से कहता है, क्या बात है, तुम इसे क्यों बचा रहे हो, ये हमें यहां पर मारने आया था। इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूं लेकिन इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। गोकू तुम इसे नहीं मार सकते। इस पे गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी इस पे ब्रोली कहता है, गोकू मैं सब जानता हूं लेकिन पहले मेरी बात सुनो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी ये करना होगा। इस पे गोकू कहता है, तुम सब ये क्या बातें कर रहे हो, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पे अकुमो कहता है, गोकू तुम्हें बस मेरे साथ चलना है, हमें किसी को बाहर निकालना है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस पे गोकू कहता है, लेकिन किसे और मुझे कहां जाना है। इस पे ब्रोली कहता है, तुम हमारे साथ चलो गोकू, मैं तुम्हें रास्ते में सारी बातें बताता हूं। इस पे गोकू कहता है, ठीक है ब्रोली, गोहान तुम गोटन और चीची के पास जाओ, मैं तुमसे कुछ देर के बाद ओमनी पैलेस पे मिलता हूं। इस पे गोहान कहता है, लेकिन डैड। इस पे गोकू कहता है, गोहान मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं तुम्हें कुछ समय के बाद ओमनी पैलेस पे मिलूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहां से ब्रोली और अकुमो के साथ निकल जाता है और गोहान चीची और गोटेन के पास जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ग्यूरा और कोड़ा को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड सेकंड रियुमार्क के सामने खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्यूरा कहता है, मुझे पता है ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। इस पे रियुमार्क कहता है, क्या बात है, तुम सच में मेरे बारे में ये जानते हो, मुझे तो ऐसा लगा था ये बात बहुत कम को पता है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां पे एक तेज रोशनी होती है और रियुमार्क अपने असली रूप में आता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मुझे पहली बार देख रहे हो और हो सकता है ये आखिरी बार भी हो। कौन जानता है। इस पे कोड़ा कहता है, मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन क्या ये सच में इतना खतरनाक हो सकता है। इस पे ग्यूरा कहता है, कोड़ा क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो, रियुमार्क और कुसायामा यानी कि लॉर्ड सेकंड और लॉर्ड फर्स्ट, इन दोनों की ताकत सुप्रीम ओमनी गॉड से कहीं ज्यादा ऊपर है, लगता है तुम अभी तक नहीं समझे, हम दोनों यहां पर बहुत बड़ी मुसीबत में हैं।